बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको ख़बर देते हैं सादोकी से, जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ की शदीद बारिशों की वजह से सादोकी अंडरपास पानी से मुकम्मल तौर पर भर चुका है और इसके पानी के भरने की वजूहात जो हैं वो इर्द गिर्द की नालियों का पानी जो है वो भी इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर बाकायदा कोई कानूनी और कोई म्यूनसिपल कमेटी का कोई या कोई बल्दिया का किसी भी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से एक दिन की बारिश का पानी यहाँ पे कई कई हफ्तों खड़ा रहता है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से पानी निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ से पानी निकालना जो है वो दुश्वार है। गो के जब ये अंडर पासिस बनाए गए थे तो इसके साथ एक छोटा सा कमरा भी बनाया गया था जिसमें ये पानी स्टोर होता था और यहाँ से पानी फिर जो है वो बाहर निकाला जाता था। लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई भी हकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आकर पानी निकालने की सही या कोशिश नहीं करता, कोई भी टाउन कमेटी का मेंबर यहाँ पे आके पानी नहीं निकालता, और हद तो ये है कि यहाँ पर रहने वाले तमाम सियासी लीडरान वो भी इस चीज़ से चश्म पोशी इख्तियार किए हुए हैं और लोगों के आवाम के दुख का तकलीफ़ का उनको कोई भी एहसास नहीं है। उनसे बाला से अपील है कि सादोकी वाले अंडरपास के नीचे से पानी को बिल्कुल निकाला जाए ताकि लोग इस अंडरपास से गुज़र सकें और उनकी ज़िंदगी जो है, उनके मामला जो हैं और मुख्तलिफ मंडियों में जाना या शहरों में जाकर अपने कारोबार करना उनके लिए आसान हो सके।